आज हम बात करेंगे अजय केडिया जी से, वो आज नेचुरल गैस का व्यू बताएंगे। अजय सर, आपको नेचुरल गैस के बारे में क्या लगता है? थैंक यू विजय। देखिए, नेचुरल गैस में हमने रिसेंटली काफी अच्छी रैली देखी है। मैं थोड़ा सा पीछे आना चाहूंगा, अगर हम देखेंगे तो 120 का लेवल जब छुआ था, दैट वाज इन द मंथ ऑफ जून जुलाई, वहां से हमने देखा था। और जैसे हमने कहा भी था कि जितने भी प्रोड्यूसर्स है वो ये लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर पाएंगे, प्रोडक्शन कट्स होगा और प्राइजेस में तेजी आएगी, और वहां से हमने प्राइजेस में करीबन 204 रुपए का लेवल भी छूते भी देखा। फिर पुलबैक जरूर आया, बट अब जैसे कि हम जानते हैं मार्केट में विंटर डिमांड बढ़ गई है, जिस दिन से टेम्परेचर में फॉल हुआ है, ये कहीं ना कहीं बड़ा कारण था जिसकी वजह से प्राइजेस में एक रैली आते हुए दिखाई दी। एज ऑफ नाउ टेक्निकली थोड़ा ओवरबॉट है, और ये हफ्ते की अगर हम बात करें तो वेदर कंडीशन में थोड़ा सा वार्मर वेदर की एक्सपेक्टेशन है और टेक्निकली भी थोड़ा पुलबैक दिखाना चाहिए। तो मुझे लगता है ये हफ्ते के अंदर जब तक 250 का लेवल ब्रीच करके होल्ड नहीं करता है, एक पॉसिबिलिटी है कि हम 220 से 222 तक का भी लेवल देख पाए। पर ध्यान रखिए, नवंबर महीने में तीन चार चीज इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगी जो प्राइजेस को सपोर्ट करती है, जो ऊपर में 260 से 265 तक का भी लेवल दिखा देगा। पहला है सीएफपीसी का जो डेटा है, वहां पे अभी भी हमने देखा नेट लॉन्ग पोजीशन है वो 500,000 कॉन्ट्रैक्ट से ऊपर है, जो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म पॉजिटिव बताता है। दूसरा, इससे पहले हरिकेन जेंटा हिट हुआ था, जिसके चलते सप्लाई कंसर्न्स था और जिसमें एक सपोर्ट मिला था। साथ में हमने देखा जो टेम्परेचर है ओवरऑल नवंबर मंथ तक में, जहां पे हम ड्रॉप देखेंगे जो प्राइजेस को सपोर्ट करेगा। तो ओनली फैक्टर जो प्राइजेस पे दबाव ला सकता है अगले दो तीन सेशन में वो है टेक्निकल। तो टेक्निकली 250 के नीचे अगर नेचुरल गैस होल्ड रहता है तो एक पुलबैक दे सकता है जो करीबन 220 से 22 तक का मैक्सिमम लेवल है। इन्वेंट्री को देखते हुए अगर नेचुरल गैस में फिर से बाइंग की जाए तो मुझे लगता है कि 210 का लेवल जब तक ब्रीच नहीं करता है, पॉसिबिलिटी है कि नवंबर महीने में हम 260 से 265 तक का भी लेवल नेचुरल गैस में देख पाएंगे। तो आप सभी से सलाह, सभी को अपडेट यही है कि नेचुरल गैस में थोड़ा पुलबैक है जो 220-22 के करीब मिले लेके चलिए, या 250 का लेवल ब्रीच करे तो ही बाय करना है 265 के लिए। धन्यवाद।